बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। 42 पार्टिसिपेंट्स हो गए इंक्लूडिंग मी, ठीक हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू लॉक द मीटिंग एंड नो वन विल नाउ एंटर। So today is just an introductory lecture. Okay, we are going to start from tomorrow properly. So your subject is advanced set theory. Okay, it's not a tough subject at all, but the things you have to do are just focus on what we are studying. And I always make paper from the like outline which I teach here, nothing else coming from outside in your paper. Okay, acha abhi jo hai main one by one sabse kahungi ki wo one by one apna mic unmute kare jiska main naam bolungi wo unmute karta jaye और मुझे अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता जाए और अपना जो आपका लास्ट जीपी है वो भी बताते जाना आप लोगों ने, ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चलना कैसे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमने जो है वो कल से प्रॉपर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो आज का छोटा सा एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सेट थ्योरी है और बेसिक्स जो है वो सेट से स्टार्ट होनी है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सेट्स के बारे में हम लोग एक दफा जरा मुझे कंफर्म करना आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही तरह। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। नहीं आ रही थी एमएस, वो एमएससी वालों। मैम थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं, बहुत स्लो बोल रही हैं मैम आप। अच्छा जी, अपनी तरफ से ऊंचाई बोल रही हूँ, पता नहीं ये जूम में मसला है या मेरे लैपटॉप का मसला है, आई डोंट नो। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों ने आज चीज़ें क्या पढ़नी है, ठीक है। आप लोगों ने सेट्स के बारे में जो है वो मेरा ख्याल है 6-7 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेट्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने आज पढ़नी है, ठीक है। और कल मैं आप लोगों से जो है वो वन बाय वन किसी से भी कुछ पूछ सकती हूँ, मतलब सेट की डेफिनेशन होगी, नोटेशन हो गई और एलिमेंट्स ऑफ सेट और ऑपरेशंस और टाइप्स, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये आपको पहले पता होनी चाहिए। तो इनको आपने जो है वो गो थ्रू करके आना। मैं ये नहीं कह रही आप किसी स्पेसिफिक बुक से पढ़ लो, नेट से जहाँ से जो भी बेसिक मटेरियल आपको मिलता है ना आप उसको गो थ्रू करो, ठीक है। और एक दफ़ा उसे अपने जेहन में बिठा लो ताकि आप लोगों को चीज़ें बेसिक्स आपकी कन्फर्म हो, ठीक है, एग्जैक्ट हों, ताकि आगे आप लोगों को मसला मसाइल ना हो। और दूसरी बात ये कि मैं मीटिंग स्टार्ट करके 5 मिनट्स दिया करूँगी, ठीक है। तब तक इजाज़त होगी सबको जी के जो 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 आ सकता है मीटिंग में, उसके बाद मीटिंग मैंने लॉक कर देनी है ताकि किसी तरह की भी कोई डिस्टरबेंस ना हो ड्यूरिंग द लेक्चर। और एक और बात, आपका जो ये लेक्चर है ये रिकॉर्ड हुआ करेगा, ठीक है। अब चूँकि आप लोग भी वही चीज़ पढ़ रहे हो और एमएससी वाले भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी दिन ऐसे हो रहा है कि मैं क्लास नहीं ले पाई, ठीक है, तो जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे पड़ी होंगी, चैनल मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट उधर जाके उसको व्यू कर लेना है, वीडियो को मैं बता दूंगी जी आज आप ये देखें, क्योंकि आप लोगों से एक दिन मतलब कह लें कि प्रायर एमएससी वाले पढ़ेंगे तो उनको तो उनका जो लेक्चर होगा वो मैं रिकॉर्ड कर लिया करूँगी। वैसे तो आप लोगों का भी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ करेगा, ठीक है, इसकी भी सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे होंगी। लेकिन इन केस अगर मैं क्लास नहीं ले पाती या कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है या किसी की क्लास मिस हो जाती है किसी वैलिड रीज़न की वजह से, तो उसमें परेशान नहीं होना। उसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने यूट्यूब पर जाना है, ठीक है, और मैथ स्किल्स के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपने जस्ट वीडियोस को व्यू कर लेना और देख लेना है जी आज मैडम ने क्या पढ़ाया, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, और जो जिसको कोई मसला मसाइल होगा साथ साथ ही उसको सॉर्ट आउट करना है, लटकाना नहीं है चीज़ों को। जिसको नहीं समझ आ रही पूछ ले फौरन, कोई भी जो भी मसला हो। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात के ग्रुप जो बनाया गया है वो इसलिए है ताकि सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर की जाए, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी उस ग्रुप में, क्योंकि ऑलरेडी इतने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे हम लोगों के टीचर्स के, कि वो फिर चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं और फ़ोन की जो मेमोरी है वो डेड होने वाली हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने उस पर सिर्फ काम की बात करनी है, ठीक है, और गैर ज़रूरी बात कोई भी नहीं करनी। हाँ, किसी को कोई मसला मसाइल हो, कुछ किसी ने पूछना हो तो वो मुझे वैसे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर कर लें, उसकी आपकी इजाजत है, लेकिन सिर्फ काम की बात, ठीक है। ओके मैम। और जहाँ तक बात है जी कि क्लास कोई बंदा नहीं ले पा रहा, अटेंडेंस के मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी मेरी तरफ से, ठीक है, अनटिल अनलेस मैं खुद क्लास नहीं ले पा रही। अटेंडेंस आप लोगों की पूरी हो गई तो समझो उसी बेस पे आप लोगों को मार्क्स मिलने हैं आप लोगों के पेपर में, क्योंकि मुझे होता है कि सुने साहब, ठीक है, बाद में कोई पढ़े ना पढ़े वो आप लोगों का अपना मसला, पेपर आप लोगों ने कैसे देना वो आपका अपना मसला, ठीक है, लेकिन अटेंडेंस आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। और अटेंडेंस पूरी होगी तो होपफुली ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। बाकी आप लोगों के जो MSc मॉर्निंग वाले हैं उनको मैंने पढ़ाया, आप लोग उनसे पूछ सकते हो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, ठीक है, अगर आप लोग उनसे पूछना चाहो तो, इट्स टोटली अप टू यू। हाँ, किसी की कोई वैलिड रीज़न है क्लास नहीं ले पा रहा तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे पहले से, ठीक है, ताकि मैं अटेंडेंस जब मार्क करूँ तो मैं उसकी मार्क कर दूँ। हाँ, मुझे बता के क्लास छोड़ना वो एक अलहदा बात है, लेकिन बताए बगैर जो छोड़ेगा उसको बख्शिश नहीं मिलनी, ठीक है। चले, अब हम जो है वो ये बेसिक बातें थी कुछ जो मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जब कल स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ पहले मैं आपसे पूछूंगी जो मैंने आपसे कहा है कि बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ के आनी है, ठीक है। कोई किताब वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो ऑन गूगल, राइट द थिंग्स अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट सेट्स, तो सब कुछ निकल आएगा, टाइप्स भी निकल आएंगी, प्रॉपर्टीज भी निकल आएंगी और नोटेशंस भी निकल आएंगे, सब कुछ निकल आएगा। उनको एक दफ़ा बस रीड आउट कर लो, याद करने को नहीं मैं कह रही, सिर्फ एक रीड आउट कर लो, माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में, बस यही चाहिए मुझे, ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, अब मैं वन बाय वन जिसका नाम लूँगी उसने अपना माइक अनम्यूट करना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद आपने साथ साथ अपना GPA बताना है, ठीक हो गया। ओके, सो द नंबर वन इज 18401 रामीन आसिफ। यस मैम, My name is Ramin Asif and I'm from Hafizabad. My GPA is 3.6. Okay, good. Arij Arshad. Ji ma'am. My name is Arij Arshad. I am from Toba Texting and my GPA is 3.88. Okay, mujhe bhi aap logon ki awaaz bahut hi kam aa rahi hai, pata nahi kya masla hai. ओके, आंसर है क्या? आंसर है, माय नेम इज आंसर समर, आई एम फ्रॉम भावलनगर एंड माय GPA इज 3.85। जबरदस्त, ओके, मेंशन GPA। ओके, निम्रा फातिमा। निम्रा फातिमा सो गई है मुझे लगता है, जिसकी टर्न गुजरती गुजरती उसके अच्छे कर गई तरफ से। मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज मोहम्मद जुबैर, आई एम फ्रॉम मारिकवाला एंड माय GPA इज 3.8। ओके, उसके बाद एक और, अरीज फातिमा।
Assalamu alaikum, ma'am. My name is Arif Fatma. I am from Malia and GPA 3.83. Okay, Aman Naeem. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Aman Naeem. I'm from Faisalabad. My GPA is 3.79. Gule Seher. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Gule Seher Tariq from Faisalabad and my GPA is 3.89. Fahad Basharat. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Muhammad Fahad Basharat. I am from Bakkar and my GPA is 3.83. Saira Bano. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Saira Bano. I am from Faisalabad and my GPA is 3.87. सबके इतने अच्छे GPAs हैं, ये ऑनलाइन की वजह से आए हैं या वैसे भी इतने अच्छे हैं सबके? समन जावेद. अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज समन जावेद, आई एम फ्रॉम ननकाना साहिब एंड माय GPA इज 3.80. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम मेरा नाम अफीफा खालिद और मैं फैसलाबाद से हूँ, जी पी ए 3.8. अच्छा जी, माने 404 कह रही है जी, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऑन हो रहा? निमरा आप करो. अब अनम्यूट है निमरा, बोलो. निमरा आपके लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप क्लास ले रहे हो उसमें मसला है या हैंड स्ट्रीम है, इसको सॉर्ट आउट करो कल लाजमी. अच्छा जी, हम कहाँ थे? अरूज शकील. आवाज नहीं आ रही अरूज, बहुत ही कम आवाज आ रही है. ओके, और मैं साहिवाल से हूँ और मेरी GPA 3.85 है. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम कायनात जाहिद है और मैं खानेवाल से हूँ, मेरी GPA 3.87 है. अनस सईद. अनस सईद. मैम मेरा नाम अनस सईद और मैं तांदा वाला से हूँ और मेरी GPA 3.8. ओके, मोहम्मद रिजवान. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ और मेरी GPA 3.8. आयशा अशरफ. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं कुमारिया से हूँ और मेरी GPA 3.5. Assalamu alaikum ma'am, my name is Asar Rafiq and I am from Laya. My GPA is 3.65. Okay. Azim Abbas. Assalamu alaikum ma'am, main Faisalabad se hu aur meri GPA 4 hai. Okay.
ओवरऑल 4 है इस सेमेस्टर में, 4 है ये लास्ट में. नहीं मैम, एक में और थी और एक इसमें. चलो ठीक, गुड. अस्मा बट. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अस्मा तेक है और मैं साहिवाल से हूँ और मेरी जीपीए 3.81 है. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम इहसानुल्लाह और मैं चिन्नौर से और मेरी जीपीए 3.9 है. अदीबा रशीद. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अदीबा रशीद, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद और मेरी जीपीए 3.8. मोहम्मद जुबैर. मोहम्मद जुबैर 1845. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं पीरमल से बिलोंग करता हूँ और मेरी जीपीए 3.8 है. अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज तहजीब ज़ोहरा, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, माय जीपीए इज 3.84. राबिया असलम. अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम तानलियावाला, जीपीए 3.7. सना इकबाल जी. सना इकबाल नेक्स्ट नेम. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सना इकबाल है और मैं फैसलाबाद से हूं और मेरी जीपीए 3.94. मोहम्मद बसीम. मोहम्मद बसीम 1452. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं लिया से हूँ और जीपीए 3.81 है. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम रिंशा अकरम है और मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी जीपीए 3.85. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं संगला हिल से और मेरा जीपीए 3.92. अमारा रशीद. अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज अमारा राशिद एंड आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, माय जीपीए इज 4. ओके जबरदस्त. इसी सेमेस्टर में है या पहले भी है? मैम ओवरऑल 3.9 है सीजीपीए. मोहम्मद अब्बास 1458. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं मरियम मुख्तार गिलगित बल्तिस्तान से हूँ और मेरी जीपीए है 3.8. हाँ जी, कोई रह गया है तो अपना खुद ही बता दें. होपफुली सब हो गए. ठीक है, अच्छा आप लोगों की क्लास में तो सबके जीपीएस बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है सारे बहुत लाइक बच्चे हैं. आप लोगों को पढ़ाने का भी मजा आएगा और क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो इस वीक से स्टार्ट होनी है तो पिछले वीक की मार्क नहीं होगी. ठीक है ना, पिछले वीक की एब्सेंट ही लगेंगी, इसलिए परेशान नहीं होना मुझे कोई मैसेज ना करे जी एबसेंट लग गई है, अटेंडेंस इतने परसेंट कम हो गई है. ठीक है, आगे मेंटेन रखोगे तो मेंटेन रहेगी, 3 दिन से फर्क नहीं पड़ता. और
दूसरी ये बात जो आपको मैंने बातें बताई हैं, बस उन पे गौर करना है। मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो मैं आप लोगों के साथ 100% कॉपरेट करूँगी, और ऐसे इंशाल्लाह हमने सेमेस्टर गुजारते रहें। थोड़ा पढ़ेंगे, सुथरा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है। जिस दिन कोई वैलिड रीज़न होगी, ठीक है, उस दिन अगर एक दिन क्लास मिस भी हो जाएगी तो कोई मसला मसाइल नहीं है, आप लोगों की अटेंडेंस फिर भी लग जाएगी मेरी तरफ से, ठीक हो गया। हाँ, और दूसरी बात, आप लोगों की जो थर्सडे की क्लास है वो सुबह 8 से 9 है, तो थर्सडे को आप लोगों का और कौन सा टाइम स्लॉट फ्री है, कौन मुझे बताएगा? मैम थर्सडे को आई थिंक 11 to 12 फ्री है। अच्छा, अगर आप लेकिन सीआरजीआर जो है वो बता सकते हैं बेटर। अच्छा ठीक है, मैं खुद भी देखती हूँ, अगर मेरे पास आपने का टाइम टेबल पड़ा हुआ है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मैम, थर्सडे को प्योर वालों का 11 टू 12 फ्री है, लेकिन अप्लाइड वालों का जो है वो लेक्चर है। ये मैम सही है, तो अगर हम इस 8 से 9 को 12 से 1 पे ले दें, मैम जुमा पढ़ना होता है तो लेट हो जाती है अगर 12 से 1 लेके गए तो। थर्सडे की बात हो रही है, थर्सडे को कौन सा जुमा हो गया? आप थर्सडे को जुमा पढ़ते हो? हाँ जी बताएं। मैम सॉरी, वो मैं समझा अपन फ्राइडे की बात कर रहे हैं। यस मैम, ठीक है, 12 से 1। चलो ठीक है, अगर उस दिन क्लास ना भी हुई तो मैं आपको। मैम अप्लाइड वालों का भी 11 से 12 फ्री है लेक्चर। अच्छा, अगर 11 से 12 दोनों का फ्री है तो मुझे बता दो। अप्लाइड वालों का नहीं फ्री। अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है क्योंकि वो उसके मिनट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो जो भी फैसला हो मुझे ना व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। अदरवाइज उसका दूसरा हल निकालते हैं, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि बस 2 मिनट रह गए खत्म होने वाली मीटिंग। ओके मैम। ओके।